जब टूट जाए तो घबराना नहीं, फिर रो देना। अल्लाह ताला माँ से ज्यादा शफीक है, माँ तंग नहीं पड़ती कभी, किसी मौके पर माँ तो तंग पड़ जाती है, अल्लाह तंग नहीं पड़ता। तुम्हें अल्लाह की रहमत का क्या सुनाऊं, बड़े जमाने बाद याद आया, कारून बहुत बड़ा मुजरिम गुजरा है, उसने मूसा अलैहिस्सलाम पे जिना की तोहमत लगा दी थी, तो अल्लाह ने उसको जमीन में धंसाया, मूसा अलैहिस्सलाम को इख्तियार दे दिया, मूसा तुझे इख्तियार है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा कारून को पकड़ ले, तो कारून को जमीन ने खींचा तो वो यहां तक टखनों तक अंदर गया, तो कहने का मूसा मुझे माफ कर दे, तो और पकड़ो, तो घुटनों तक अंदर चले गए, मूसा मुझे माफी दे दे आइंदा नहीं करूंगा, और पकड़ो, वो कमर तक अंदर चला गया, मूसा मुझे माफी दे दे आइंदा नहीं करूंगा, वो सीन उन्होंने कहा और पकड़ो, वो सीने तक चला गया, मूसा मुझे माफी दे दे आइंदा नहीं करूंगा, और पकड़ो, वो सारा अंदर चला गया। قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم, ये पूरा दो रुकू कुरान के अल्लाह ने कारून की बुराई में उतारे हैं, तो अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा तेरी मिन्नतें करता रहा तूने माफ ना किया, मेरी इज्जत की कसम एक दफा मेरी मिन्नत करता मैं निकाल के बाहर खड़ा कर देता। कारून, अरे भाई कारून, और तुम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मत ही बैठे हो, वो कह रहा है कारून मेरी मिन्नत करता तो मैं निकाल के बाहर खड़ा कर देता, तेनों मैं आप राजी कर लवा, उन्होंने छड़ दे बना है, पर उस मेरी मिन्नत ही ना की। तो भाई अल्लाह ऐसा करीम है, तो तौबा की तो सारे भाइयों ने नियत कर ली ना, टूट जाए फिर कर लेना। इंसान जो है, बशर जो है, हो जाता है गुनाह, जब आंसू बहाओगे तो मेरे रब को गफूर रहीम पाओगे, मेहरबान पाओगे, करम नवाज पाओगे, शर्म वाला पाओगे, हया वाला पाओगे, उसके दरबार में नाउमीदी हराम है। वो कहता अगर मैं किसी को पकड़ता दुनिया में, फौरी पकड़ आती मेरी, तो मैं उनको पकड़ता जो मेरी रहमत से नाउमीद हुए बैठे। एक दफा मैं मस्जिद में बैठा था अपनी, तो चार नौजवान आए, कहने लगे जी जिंदगी में ना नमाज पढ़ी ना रोजा रखा, और उनकी उम्र थी कोई 25-30 साल के दरमियान, जिंदगी में दो रोजे रखे थे, और शराब पी के इफ्तार किए थे। तो हम ये समझते थे हमारी बख्शिश कोई नहीं है, हमने तो दोजख में जाना है, तो लिहाजा जो मजा हम ले सकते हैं यहां ले लें, ये हमारा जहन था। एक दफा हम गाड़ी में बैठे थे तो एक हमारा दोस्त हमारे साथ बैठ गया, तो उसने तुम्हारे बयान की केसर लगा दी, उसमें ये सारा तौबा का मजमून मैं हर बयान में बयान करता हूँ। तो कहा उसमें तुमने हमें ये बताया कि तुम्हारे इतने गुनाह हो आसमान की छत को चले जाएं तो तौबा करो तो अल्लाह माफ करेगा। वो तो कहने के जी हमें पता ही नहीं था कि अल्लाह इतना गफूर रहीम, हमें पता ही नहीं था। जब हमें पता चला कि अल्लाह इतना माफ करने वाला है, वो दिन आज का दिन ना शराब को हाथ लगाया है, ना किसी और गुनाह को हाथ लगाया है, ना नमाज छोड़ी है, ना रोजा छोड़ा है, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, और रमजान करीब गुजरा था, सारे रोजे रखे हैं, सारी तरावी पढ़ी है, और किसी गुनाह के करीब नहीं जा रहे हैं। तो मेरे ये अल्लाह ने हर ईमान वाले मर्द औरत के अंदर ये ईमान का जज्बा रखा है, इसको पानी लगाओ, इसको परवान चढ़ाओ, और इसको पुख्ता करने के लिए दुनिया में फिरना है, और लोगों तक भी इस पैगाम को पहुंचाना है। इसके लिए वह अपने नाम लिखाओ, अपने इरादे लिखाओ, जो भाई तैयार हो खड़े होकर अपने नाम पेश करना। माशाल्लाह इलाके का बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है। अभी कब है इज्तिमा? 23-24 को विंबलडन में, विंबलडन पार्क मस्जिद में इज्तिमा हो रहा है, उसमें भी आप सारे भाई शिरकत फरमाने का इरादा फरमाएं। 23-24 तारीख को विंबलडन पार्क मस्जिद में इज्तिमा हो रहा है, उसमें आप भाई शिरकत का इरादा फरमाएं। चंद बातें दुआ से पहले आपसे अर्ज करनी है। माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, अक्सर नौजवान हैं। दीन दो बातों का मजमुआ है, एक इबादत और एक अखलाक। इबादत से दीन शुरू होता है और अच्छे अखलाक पर जाकर दीन मुकम्मल होता है। दीन की इब्तिदा, फाउंडेशन, बुनियाद, वो कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और दीन की इंतहा, छत, जहाँ जाके छत पड़ती है, वो अच्छे अखलाक हैं। अच्छे अखलाक से दीन मुकम्मल होता है। दीन की तकमील इबादत से नहीं, अखलाक से है, और दीन की इब्तिदा में इबादत है।
इबादत में नमाज सबसे आला दर्जे की चीज, जो अल्लाह ताला ने 50 नमाजें शुरू में फर्ज की, फिर उनको 5-5 करके घटाया और अर्श पर बुलाकर 50 नमाजें अता फरमाईं। देनी 5 थी, दी 50, सिर्फ ये बताने के लिए कि दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद नमाज के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन फिर बाकी कारोबारी जिंदगी में भी हमारा इम्तिहान था, तो अल्लाह ने उसको घटा के 5 कर दी। जब 5 हो गई, अल्लाह के नबी हर दफ़ा आते थे और कहते थे या अल्लाह घटा दे, जब वो 5 रह गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब तेरे लिए 5, मेरे लिए 50, कि तेरी उम्मत के हर नमाजी को हर नमाज के बदले में 10 नमाजों का सवाब लिखूंगा। तो हम पढ़ने को 5 पढ़ते हैं और लिखे जाने में वो 50 हैं। तो जितना आप, बहुत बड़ा मजमा है, मस्तूर आदमी हैं, आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आज के बाद तौबा तो हमने की है, नमाज ना छूटो। इसके सारे भाई इरादा करते हैं, आप पराए देश में रहते हैं या मस्जिदों का ऐसा माहौल नहीं है, अपनी आप जॉब पर हैं, काम पर हैं, जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए नमाज ना छोड़ें। अब अल्लाह ने इतनी फिजा ज़रूर बना दी है कि जहाँ भी आप हैं आपको नमाज की इजाज़त देते हैं, ये लोग आपके साथ इंसाफ करते हैं, उन्होंने अपने मुल्कों में इंसाफ किया हुआ है, अदल कायम किया हुआ है, जुल्म नहीं है, आप अमन में हो, अमन के मुल्क में हो, इन्होंने आपको सारे हुकूक दिए हैं, आप पर भी हक है इनका कि आप इनके लिए हिदायत की दुआ करो, इनकी खैरख्वाही चाहो और अपना काम सही करो और नमाज को ना छोड़ो किसी हाल में भी। मस्जिद करीब है तो मस्जिद की दौड़ लगाओ, मस्जिद दूर है तो एक मुसल्ला अपने दफ्तर में रखो, अपने काम की जगह पे रखो और नमाज के वक्त में नमाज अदा करो। और अगर आप अकेले हो तो अजान दो, तकबीर कहो, फिर नमाज पढ़ो। तो आसपास जितनी फिजा है वो गवाह हो जाएगी और आसपास जितने अहले ईमान जिन्नात हैं वो नमाज में शरीक हो जाते। दो हो तो जमात कराओ, चाहे तुम्हारी दाढ़ी नहीं है फिर भी जमात कराओ, एक को आगे करो एक को पीछे करो। तीन हो जमात कराओ, बा जमात नमाज की फिजा बनाओ। सफर में जा रहे हो गाड़ियां रोक के बा जमात नमाज पढ़ो, तो इंशाल्लाह ये पूरी एक मुकम्मल दावत है नमाज का पढ़ना। तो इबादात में मेरे भाइयों बहनों नमाज का नागा ना हो। मस्तूरात से कहता हूँ पर्दे का अहतमाम करो, अपनी बच्चियों को शुरू से पर्दे पर लगाओ, पर्दा उनकी फितरत में शामिल हो, पर्दा करने वाली बने, अपने उनके लिबास में पतलून ना हो, शलवार हो, ये बापर्द बा हया लिबास है। औरत के लिए पतलून, मर्द के लिए पतलून बा हया लिबास नहीं है, तो औरत के लिए कहाँ से होगा। तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्लामी लिबास का आदि बनाओ, प्यार से मोहब्बत से, यहाँ सख्ती तो चलती नहीं और सख्ती कहीं भी नहीं चलती, हर जगह प्यार मोहब्बत से ही काम चलता है। अल्लाह ने भी प्यार से ही हमें समझाया है और प्यार से ही हमें अपनी तरफ बुलाया है। कहीं कहीं उसने अंजाम बताने के लिए बता दिया कि जहन्नम भी है, वरना अल्लाह का आम अंदाज पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीन आमन, कितनी इज्जत के साथ अल्लाह हमें बुलाता है, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। तो दूसरी चीज जो, तो नमाज की नियत कर ली सारे भाइयों ने, कुरान के लिए जरूर वक्त निकालें, तिलावत के लिए कुछ वक्त निकाला जाए, नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके, आप तो हर जगह मसाजिद हैं, उलमा हैं, कुर्रा हैं, कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। साल में 2 दफ़ा कुरान ख़त्म करना कुरान का हक बनता है और दिल की ज़िंदगी के लिए कुरान सबसे बड़ी ग़िज़ा है। दिल को ग़िज़ा ना मिले तो मर जाता है, तो दिल को, रूह को कुरान की ग़िज़ा ना मिले तो रूह मर जाती है। तो कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकालें। और दूसरी चीज़ जो, जिस पर जाकर इस्लाम मुकम्मल होता है, वो अच्छे अखलाक हैं। अपने अखलाक को बुलंद करें। और सारे अखलाक का खुलासा 3 बातें हैं, तसल मन कतअक व तौति मन हरमक व तअफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तोड़े उससे जोड़ो, जो महरूम करे अता करो, जो ज़्यादती करे माफ़ करो। फिर अगर माँ बाप साथ हैं तो उनकी कदर करो। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे एक ओल्ड होम दिखाया साथियों ने, तो उसमें मुसलमान औरतें भी थीं, मुसलमान माएँ भी थीं, जिनके जवान बच्चे हैं और वो माँ की खिदमत से महरूम हैं। क्या बदबख्ती की इंतहा है कि मुसलमान के लिए माँ तो जन्नत का रास्ता है। मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है, और मेरे नबी ने फरमाया
काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती बेटा मोहम्मद तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और मैं कहता लब्बैक अम्मा जी लब्बैक या उम्मा अम्मा जी लब्बैक, नमाज मैं दोबारा पढ़ लूँगा, आप मुझे इरशाद फरमाएं आपका क्या हुक्म है। जहाँ नबी ने इतना बड़ा मकाम बताया हो आज देखकर मेरा बड़ा दिल कटा कि मुसलमान माएँ भी ओल्ड होम में पहुँची हुई। तो अपने माँ बाप अगर साथ हैं तो उनको अपनी जन्नत का रास्ता बनाओ, उनकी खिदमत करके उनकी दुआ लेके अपने लिए जन्नत वाजिब कर लो। माँ बाप की खिदमत करने वालों के लिए जन्नत वाजिब हो जाती और उनके लिए जन्नत में रुकावट सिर्फ मौत होती है कि मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहे, वरना मरते ही सीधे जन्नत में जाएं जो अपने माँ बाप की दुआ ले लेते हैं, माँ बाप को खुश कर लेते हैं। तो अपने माँ बाप का मकाम समझो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उन पर अल्लाह की लानत, उन पर फरिश्तों की लानत, उन पर ज़मीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज़ कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। तो भाइयो मेहरबानी करो, मेरा अल्लाह कहता है ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वाग़फ़िर लहुमा जनाहा ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरा रब कहता है माँ बाप के आगे सर झुका दो, अपने बाजू बिछा दो और उनके ग़ुलाम बन जाओ, उनके आगे उफ़ ना करो, उनके आगे आह ना करो, उनके आगे हूँ ना करो, उनको मीठे बोल से बुलाओ तो तुम्हारा रब इस पर तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमाने वाला है। शादी हो गई है होने वाली है, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। अच्छे सलूक से घर आबाद होते हैं, बुरे सलूक से घर आबाद नहीं होते। अल्लाह के नबी का फरमान है बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवी के साथ। और अल्लाह के नबी का फरमान है जन्नत में मेरे घर के करीब, मेरे घर के करीब उसका घर होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे और जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। फिर बीवियों को समझाया अल्लाह के नबी ने, एक औरत ने आकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी शादी हो रही है, मेरे खाविंद का मेरे ऊपर क्या हक है? तो आपने फरमाया तेरे खाविंद के जिस्म पर ज़ख़म पड़ जाए, ज़ख़म, और उन ज़ख़मों में पीप पड़ जाए, पीप पड़ जाए, गंदा पानी सफ़ेद पीप पड़ जाए, और तो ज़बान से चाट चाट कर उसके ज़ख़म साफ करे तो तूने उसका हक अदा नहीं किया। ज़बान से चाट चाट कर उसका ज़ख़म साफ करें तो तूने खाविंद का हक अदा नहीं किया। मर्दों को क्या समझाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, और औरतों को क्या समझाया कि खाविंद की इताअत, आपने फरमाया अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता, मेरी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, अगर सजदा जायज़ होता तो मैं औरत से कहता अपने खाविंद को सजदा करे, यानी उसकी इताअत करे। और मर्दों को समझाया कि सबसे बेहतरीन खर्च बीवी पर खर्च करना है, बच्चों पर खर्च करना है।